क्या बेबे? पता नहीं। अरे बाप रे, ये तो वही लड़की है। कौन? हाँ दे रहे तो तुमको दिखाई नहीं दिया, ये डंडवा देख रहे हो, घुसेड़ देंगे आँखी में, तवा सीर हो जाएगा। ना कुछ देखने के लायक रहोगे ना दिखाने के लायक। जूली शुक्ला नाम है हमारा, धर्मराज शुक्ला की बहन। और इंट्रोडक्शन देगा बे? अरे नहीं दीदी, माफ कीजिएगा, ड्राइवर अभी नया है, अभी आपको जानता नहीं है, आप ही लोगों का तो बस है। बैठिए ना, आइए बैठिए। समझा दे इसे। हाँ हाँ ठीक है दीदी, समझा दूंगा। नकुल भैया। हाँ गुप्ता आई गवाह। आई गवाह, चल 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 चल। देखो प्यार से बांधा हूँ, प्यार से पटना है। वो देखो उखड़ा है। अरे अरे गुप्ता, आज तुम्हारी फाइनल लस्सी तो हम। ए गुप्ता शुक्ला का टैक्स नहीं देगा। तुम लोग जाओ, कल फिर मिलेंगे। एक दो बार तुमको घुमा देंगे ना, तुमसे कोई किराया नहीं मांगेगा। चलो बाय। क्या भीम भैया, किसकी आ रहे हो? जूली स्टैचू। किसी की आ रहे हैं, वो कह रहा है डैम का ठेका हमें मिल गया है, अब सबकी। ये लो मुंह खोल। हाँ स्टैचू ओवर। वाह धर्मराज, कमाल कर दिए तुम तो, सही है गुरु। ये क्या हो गया जी, ये चोट कैसे लग गया? अरे बम ने स्मूच कर लिया है, अंग्रेजी चुम्मा, समझती हो? चल हट, पिछट पिछट। कहा भैया फोनों का नहीं उठा रहे थे, ऊका का चार डालने रखे हैं, कहाँ घुसन लिए थे? अरे लो तुम का फोन किए थे और का। अरे वो फंक्शन का शोरगुल में कुछ सुना ही नहीं दिया, पर हाथ में का कर लिया बे। अरे गुप्ता टैक्स नहीं दे रहा था, हमने कहा बम मारेंगे सारा पैसा बाहर आ जाएगा, सारा बम हाथों में फट गया, एक ठो उंगली उड़ गया आपका। नकुल ससुर अपने ही उंगली। अरे मम्मी उंगली कहाँ उड़ा के चले? हाय भगवान, हाय राम, बाबी देखे नहीं पूरा उंगली उड़ा के चले। अरे चुप भगवान, बताइए ना क्या करें, का काम करके चले। अरे नकुल चुप। अरे गधा ही सिर्फ उंगली उड़ी है और बाकी सब सुरक्षित है, विधवा नहीं हुई हो, भै भै रो रही है। अरे कट्टा बम तो अभी भी धड़ल्ले से आ सकते हैं। चल चल लेकर मैं कैसे चल छोड़ लेके जा। अरे हमारे शेक्सपियर की जूलियट, अरे हम तुम्हारे जानू बोल रहा हूँ भाई। ओहो मन तो करता है कि फोन के अंदर घुस के ना शादी से पहले ही सुहागरात मना लूं। आज फोन ही करा दीजिए ना, तो चुम्मा दीजिए ना प्लीज 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 प्लीज। अश्लील बात जरा होल्ड कीजिए तो। पापा हम अपनी होने वाली बीवी से बता रहे हैं ना। अबे शादी करके घर ही आ रही है ना वो, तो क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? हैं फोन का ही रेप करोगे क्या? हाँ घुसे पड़े हो, कंट्रोल रखो बेटा। पापा हेलो, हमारे पापा भी जो है ना जब तक अपनी राजनीति पहलने में लग रहते हैं। सुनिए ना एक तो चुम्मा दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है।
प्लीज। अभी हमारा मूड खराब है, हम फट गया ना कुल के हाथ में, एक उंगली भी उड़ गई। अरे बाप रे बाप, अब खाना कैसे खाएगा? दाहिने की गई है कि बाएं की? इतनी चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी भी वो कट्टा बम चला सकता है। तो फिर क्या दिक्कत है? दीजिए ना, दीजिए ना प्लीज। हेलो, तो आपकी सरकार की है, सलाउद्दीन का क्या है? उसको तो सरकार को घेरने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। उसके ताजे के जुलूस को निकल जाने दीजिए और आप भी अपने झांकी के जुलूस को ले जाइए। देखो दरोगा जी, श्री राम के झांकी के आगे तो ही तजिया जुलूस ना जा पाए, ही तो पक्का है। जाओ उनसे कहो कोई दूसरे रास्ते से जाए, समझे? रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना जुलूस दूसरे रास्ते से निकालिए। ठहरिए, मैं बात करता हूँ। कंट्रोल में है ना? जी, अलर्ट रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके सर। कहते हैं अल्लाह गॉड भगवान सब एक ही परम शक्ति के नाम है, लेकिन यहाँ पर देखिए उसी परम शक्ति के नाम पर इंसान आपस में लड़ने पर कैसे आमादा है। हो गया? एक धार्मिक विवाद में एक अज्ञात हमलावर ने आज यहाँ इलाहाबाद में प्रदेश के कद्दावर और बाहुबली नेता वीर प्रताप पांडे के भाई उदय प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर में तनाव है, इसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इस धारा के तहत होता यह है कि आप समूह में कहीं भी शहर में नहीं घूम सकते। भैया उधर प्रताप, पता है हमें, गाड़ी निकालो। भैया हटा रहे। सर आपके भाई की हत्या क्यों की गई है? देखिए जो कुछ भी हुआ है उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल साफ है। पूरा इलाहाबाद जानता है कि हमारे भाई की हत्या सलाउद्दीन ने करवाई है, क्योंकि सलाउद्दीन को अच्छी तरह से पता था कि अगले इलेक्शन में वो हमारे भाई से हार जाएगा। सलाउद्दीन साहब, बात को समझने की कोशिश कीजिए, मामला तूल पकड़ चुका है। आप गिरफ्तारी नहीं देंगे तो पांडे जी अपने भाई की लाश को सड़ा कर
पूरे प्रदेश को महका देंगे और दंगे फसाद भी हो सकते हैं जिसका वो अगले चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। वक्त की नजाकत को समझिए सर, प्लीज। ठीक है, लेकिन सुबह की पहली नमाज पढ़े बगैर हम नहीं जाएंगे। कहाँ जाओगे अब? एक ऐसी जगह जहां से हम यहां वापस ना आ सके। पाठक बाबा, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। अरे आइए ना दीदी, चढ़िए, आप ही लोगों की तो बस है, आराम से चढ़िएगा, आराम से। आजा आजा ऊपर आओ, बिना आपके बोले बस हिलेगी भी नहीं। ए हीरो, ओ चलो नीचे उतरो, ये हम लोगों की जगह है। क्यों, तुम कहीं की हीरोइन हो क्या? देखो तो जरा। अच्छा अब हमको हीरोइन बोलोगे? तेरी तो ये ले। अरे क्या बदतमीजी है? और बोलेगा हमें हीरोइन? दीदी लड़का तो बहुत स्मार्ट है, चुप कर, तू छोटी है अभी। चलो भाई चलो। मजली, तू जा सबके लिए चाय बना के ला। जी। बाबूजी पानी दो जरा। हाँ बाबू। पांडे जी के यहाँ भी तो बहुत उदासी का माहौल होगा ना? क्यों, तुम्हारा बाप मर गया क्या? भैया कितनी बार मारेंगे भौजी के बाप को, अभी पिछले साल ही तो मारे थे। पानी पिलाइए। अरे बड़े लोग हैं, हर नुकसान की कीमत वसूलना जानते हैं, लाश की भी। मतलब? मतलब समझ के पार्लियामेंट जाएगी क्या? चल चाय ला। क्या बात है, आप लोग इतने खुश कहाँ हो? अरे जूली इधर आओ, ये देखो, इधर खराब माहौल के बाद भी राजन तुम्हारे लिए सूट भेजे हैं और साथ में ये तेल फुलेल भी है ना, खुशी की बात। अरे वाह, हिमगंगे तेल, गर्मी जाओ भूल, दिमाग रखो कूल। वाह देखो जरा। कैसा? अरे बढ़िया है ना। अरे वाह, इस सूट का कलर तो बहुत ही अच्छा है, बुझिया पर बहुत ही सोवेगा। आओ नहीं तो का, बहन किसकी है। सलाम अलैकुम मामी। पहचाना नहीं? हम मिर्जा गाजीपुर वाली आपकी ननंद फरीन का बेटा। 15 साल बाद कनु जी ने लौट के आता है घर, इंसान नहीं। मामी, मामी,
जगह के पानी पी लो। आप कैसी हैं मामी? इतने दिनों बाद आज ख्याल आया अपनी मामी का। आपके इस थप्पड़ की कमी हमें हमेशा महसूस होती रही। नहीं मामी, नहीं। मामू देखिए ना, बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लग रहे हैं। मामू देखिए ना कितना ढीला है, ये देखिए कुछ फिगर समझ में नहीं आ रहा। मामू अब एक काम कीजिए, आप इसको ना थोड़ा यहाँ से टाइट कर दीजिए, ये है ना, थोड़ा इसको टाइट करेंगे तभी तो एकदम हॉट दिखूंगी। और थोड़ा ऊंचा भी, इतना, समझ रहे ना मामू? हाँ हाँ बेटी, समझ रहा हूँ, हो जाएगा। हो जाएगा। तुम यहाँ कैसे? क्या काम है बेटा? हाल तू चलाल तू आई बला को टाल तू मिर्जा तू मुख्तार तू सबसे है कमाल तू मिर्जा मेरा बच्चा। कहा था तू इतने सालों से, कहा था तू मेरा? हम भटक गए थे मामा, पर अब लौट आए। बेटी पहचाना इसे? मिर्जा तुम्हारा बचपन का दोस्त, ये जूली। अरे तुम लोग बचपन में एक साथ कितना खेला करते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे तुम लोग। मिर्जा नाक तो साफ कर। मिर्जा बचपन में तो तुम्हारी नाक बहती थी ना हमेशा। हा? अब इतना स्मार्ट कैसे हो गया? पैसा खाया? पैसा क्यों? तुम लोग यही सब तो खाते हो। हमारे दोस्त का फोन है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ बस पहुंची। बिल्कुल वैसी ही है जैसी बचपन में थी। पता है इलाहाबाद के वीर पांडे ने अपने बेटे की शादी तय की है इसके साथ। बैठो, अगले महीने ही शादी होने वाली थी लेकिन बेचारे पांडे जी के भाई को किसी ने गोली मार दी। अब इतने बड़े लोग हैं कि कल से टीवी पर वही चल रहा है। सर वीर प्रताप जी ने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया क्या वो सही है? ये बुनियाद इल्जाम है ये एमपी। इस केस में हमें फंसाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। अब बोलो क्या पाठक जी? हमने आपको बोला था ना कि हमारा आखिरी काम होगा, फिर क्यों इतने बड़े नेता को हमसे मरवा दिया? अब देखना पूरे प्रदेश की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कत्ल वाले दिन तो तुम जेल में थे। किसी का बाप भी ये साबित नहीं कर सकता कि तुम खूनी हो। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? क्या है ये? अरे यार कुछ कंकड़ पत्थर नहीं मिला इसलिए चप्पल फेंक दी। कब से सीटी मारे जा रहे, तुम तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अच्छा चलो चप्पल वापस फेंको। अरे किधर फेंको ना, अब एक पैर का पहन के जाऊंगी क्या नीचे? अच्छा ये बताओ छत पे क्या कर रहे थे, लड़के को लाइन मार रहे थे? हाँ पर तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं और तुम्हारी तो पहले से शादी तय है। बेटा नहीं भी हुई होती ना तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मजनू का हम बाल मुड़वा के मुंह पे कालिक पोत के बिना टिकट गधे के ऊपर बिठा के पूरा मिर्जापुर घुमाते हैं, समझा ना? आया बड़ा या अल्लाह। एक बात बताओ, तुम्हारे चचिया ससुर को जिसने मारा उसका कुछ पता चला? हाँ वो जिसने मरवाया वो जेल में है ना, क्या नाम है उसका, सलाउद्दीन। अच्छा हम तुमसे बाद में बात करते हैं, हमारे उनका फोन है।
हेलो हेलो डार्लिंग जी, वो क्या है कि आज मन बड़ा बोर फील कर रहा था, सोचा कि आपसे एक पप्पी मांग लो। सैड हूं ना, चाचा मर गया, तो सोचा कि आप अगर थोड़ी खुशी दे देती। अरे यार, ओ आपने मेरा दिन बता दिया। हेलो हेलो, कहाँ चली गई? हेलो, लगता है कनेक्शन जुड़ गया। चलो यहाँ से, चलो किधर रहा है? बस चलो, हाँ हाँ छोड़ो, बैठो, हमसे मजे लेगा तो मैं गोली मारूंगी, जिंदगी भर लोटा लेके घूमेगा हाथ में कुत्ते। और हीरो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने, और कहाँ? अबे रह गए तुम भी भूंदूई, इतनी लड़की तुम्हारे पीछे बैठी है और तुम उसे घर छोड़ने जा रहे हो? अबे मुरझाई जवानी लेके पैदा हुए हो कभी? मुंह काला करवाने का शौक नहीं हमें, और ना ही गधे पर बैठकर मिर्जापुर घूमना है। भक्त डरपोक। अरे वाह, तुम्हें आज भी जगह याद है? रुको 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 रुको, बचपन में हम यहाँ कितना आते थे ना। नहीं, बचपन की बात और थी। ये क्या है? लव लेटर। नया नया लिखने का शौक चढ़ा था, क्लास में जो सबसे गोरा लड़का था जिसे पीट रही थी उसी को दे दिए। जब से उसको पता चला हमारी शादी तय हो गई है, शादी तोड़वाने की धमकी दे रहा था, कहने लगा मुझे भी दो नहीं तो सबको दिखा दूंगा लव लेटर। इसीलिए लतियाना पड़ा को, चार चप्पल पहले सारी हेकड़े छितरा गई, और ये रहे। शादी तय हो गई है तो घर में रहना चाहिए ना। घर में बैठ के अंडे दूं क्या? चल चल नाव पे बैठ के बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। अरे पट्टू राम आओ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डूबोगे नहीं। चल अरे? चल बे, नाव की सैर करा। याद है तुम्हें बचपन में कागज की नाव और पानी के खेल? अच्छा लेकिन तुम अचानक चले कहाँ गए? अपने गांव गाजीपुर। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी के पास रहने। अब्बू का इंतकाल? हाँ, हमारे अब्बू शादी ब्याह की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। एक दिन उनकी दुकान पर किसी ग्राहक पर हमला हुआ, तो उन्हें बचाने निकले तो उन्हें भी गोली मार दी। अम्मी जिन्होंने कातिल को पहचान लिया था, जब वो तहसील गवाही देने जा रही थी तो गवाही दीजिएगा, अब जाके ऊपर दीजिए गवाही कि लल लल मारे हैं।
मम्मी की मिट्टी के बाद मामू हमें वापस लाना चाहते थे। लेकिन हम उनसे बहुत दूर निकल गए। उन कातिलों को ढूंढने पर वो हमें कहीं नहीं मिले। और फिर हम एक ढाबे पर काम करने लगे। कल्लू, ओए, अच्छा चल भाई, 3 प्लेट पकौड़े जल्दी भाई जल्दी। बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। कहाँ देख रहा है भाई? चलाएगा कहाँ? चलाएगा। अच्छा? अरे वाह बेटा, अबे अम्मा के पेट से निकले नहीं और लगे उड़ने। वाह भाई, चल ठीक है, ले पकड़। अरे रुकना, आज इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। चला चला चला, नहीं तो हम तुमको तुम्हारी अम्मा के पेट में वापस घुसेड़ देंगे। समझे? चलाइए। आंख तो ऐसे दबा रहा है जैसे बहुत बड़ा निशानची है। बेटा इसके झटके से तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, रख दो, चले हैं गोली चलाने। अबे लग जाएगी, हटा हटा, लग जाएगी। अब कहां लग जाएगी, पालक है। अबे हम पे का तान रहे हो बे, का कराओगे? तमंचे पे डिस्को? उसके बाद कोर्ट ने हमें बाल सुधार घर भेज दिया, जहां जेलर पाठक से हमारी मुलाकात हुई। बस उनकी सरपरस्ती की वजह से हम यहां तक पहुंच सके। खैर हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, शादी होने जा रही है, कैसे हैं तुम्हारे होने वाले शौहर, मतलब हस्बैंड? राजन, पता नहीं भैया लोगों की पसंद है, हमको शेक्सपियर वाली जूलियट बुलाते हैं। फोन पे हमेशा की बातें करते हैं और चुम्मा मांगते हैं। तैरना आता है तुझे? हाँ आता है ना। अरे जूली, अरे ये क्या मजाक करती हो? अभी देंगे ना, यही चित्रा जाएगा, भाग यहाँ से। और उसे पानी में काहे ढकेल दिया? वो क्या हमारी बातें सुन रहा था, अब हम आराम से बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किया है? हाँ कभी किया है तो बताओ ना, शादी के बाद उस राजन को हम बताएंगे कि हमें उससे ज्यादा नॉलेज है। बोलो ना दोस्तों, इसकी शादी तय थी इस महीने की 24 तारीख को। अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि जनता के चहेते दिवंगत उदय प्रताप का संकल्प अधूरा नहीं रहेगा, उनके हर सपने को राजन पांडे पूरा करेगा। हमारा सपना तो हमारी शादी है, वो कहीं नहीं होगा। चुप रहो। जनता की सेवा के लिए राजन पांडे अब अपने हर सपने की कुर्बानी देगा। अरे कहाँ बकवास कर रहे हैं भाई, हैं? हम कहाँ अपने सपने कुर्बान करेंगे भाई, हम घंटा करेंगे कुछ। जब तक जनता राजन पांडे को चुनाव में वोट देकर अपना सेवक नहीं स्वीकार कर लेती, राजन पांडे दूल्हा बनकर घोड़ी नहीं चढ़ेगा। अरे बिन घोड़ी के ब्याह कर लेंगे, काहे लंदारी फेल रहे हैं आप? तुम तो चाचा की तरह, हम चुनाव अगर नहीं जीत पाए तो क्या हम भी जिंदगी रहेंगे क्या? अबे तुम्हें नहीं पता, जब कुमारी चूली चुनाव में तुम्हारे लिए मांग के सिंदूर के बजाय वोट मांगेगी ना, तो क्या असर होगा? तुम्हारी नैया सीधे विधानसभा के गेट पर पार्क होगी और जुड़ जा। राजन पांडे, राजन पांडे, राजन पांडे, राजन पांडे। ए जुली, जुलिया, ए जुलिया, जुलिया। हुआ का? सिलखाने के एक लौंडे काम मार मार के मुंह तोड़ दिए, आया था मारे पास, रो रहा था बेचारा। काहे मारी? उन्हें बताया पता नहीं काहे, और के बाद एक लौंडे के साथ बाइक पे बैठी चली गई। ए ए जुली, कहाँ गई थी? हाँ? एक सेकंड, उस बाइक वाला लौंडा कौन था? ए भैया, कौन बाइक वाला? वो बाइक वाला, अरे वो अख्तर मियाँ का भांजा मिर्जा, मेरे बचपन का दोस्त, उसी के साथ गए थे। देख जुली बेटा, अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है,
थोड़ा थोड़ा समझ बूझ कर रहा कर। मतलब तेरे बचपन से अब तक बहुत चीजें बदल चुकी हैं। और क्या पता कि मिर्जा तुमको दोस्त की नजर से नहीं बल्कि गलत नियत से देखता हो तो? गलत नियत से देखेगा तो उसकी आंखें फोड़ देंगे, फिर कुछ भी दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। देख के बेटा देख के। मैं कह रहा था कि पहले भले ही शुक्ला लोग कुछ न रहे हो लेकिन अब वो लोग यहाँ के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं। अब उनकी बहन के साथ इस तरह घूमना फिरना ठीक नहीं लगता तेरा। संभाल के बेटा संभाल के। देख कल से तू मेरे दुकान पर बैठा कर, कुछ सीख ले। अरे कुछ हुनर सीख लेगा तो जिंदगी संवर जाएगी, कुछ समझा कि नहीं? जी मामू। दोनों हाथ सीध में होना चाहिए और पैर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक? तो मुझे गलत नियत से देखते हो ना, बोलो ना। तौबा तौबा तौबा, ये तुझे गलत नियत से क्यों देखेगा बेटी? इसे दोजख में थोड़ा ही जाना ऐसा गुनाह करके। ये तो तुझे अपनी बहन मानता है। बहन? हम किसी को अपनी बहन बहन नहीं मानते। तो क्या मानते हो? दोस्त। दोस्त? ये ठीक है। और मामा मेरे तीन भाई हैं, मुझे और एक की जरूरत नहीं है। आज उतरेगी आसमानों से दुआ, तू फरियाद तो कर। कौन रोकेगा उसकी नायत को, तू दिल से याद तो कर। शाहे करम हमको तेरा सहारा है, बिगड़े नसीबों को तूने संवारा है। दिल ने दुआओं में तुझको पुकारा है, तेरे दर के दीवाने आए हैं, झोली भरते मुरादे लाए हैं। दुनिया ने ठुकराया है तूने ही अपनाया है, अब तो कोई जलवा कर तो अली हमारा है। ओ तेरी रजामंदी तो है बुलंदी बुलंदी बुलंदी, ओ तेरी रजामंदी तो है बुलंदी बुलंदी बुलंदी, ओ तेरी रजामंदी तो है बुलंदी बुलंदी बुलंदी, ओ तेरी रजामंदी। बिटिया के ससुर और उनके बगल में जो नीली बंडी में है ना, राजन पांडे जूली बिटिया का होने वाला शौहर। तो है ठिकाना कोई आरज़ू का, टूटे दिल की है दवा। तो है चरागा रूह रोशनी का, जन्नतों की तू हवा। सांसों की महफिल है जीने की अदा, तू ही समी है और तू ही आसमां। दुनिया ने ठुकराया है तूने ही अपनाया है, अब तो कोई जलवा कर तू अरे हमारा। अरे अपना रजामंदी तो है बुलंदी बुलंदी बुलंदी, ओ तेरी रजामंदी तो है बुलंदी बुलंदी बुलंदी, ओ तेरी रजामंदी तो है बुलंदी बुलंदी बुलंदी, ओ तेरी रजामंदी। धर्मराज, हम ही शादी नहीं करेंगे। पांडे को लौंडा बहुत ही तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना, शरीफों को पूछता कौन है आजकल। और वैसे भी आगे चल के राजन को प्रदेश का सीएम बनना है। बहुत सौभाग्यवती है तू, तुझे राजन जैसा पति मिल रहा है, समझी? स्टैचू।
राजन के घर में राज करेगी महारानी बनकर, और हम लोग पूरे मिर्जापुर को अपनी जांग के नीचे दबा कर रखेंगे। स्टैचू ओवर। अरे भाभी जाके छुड़ाओ उसको, नहीं तो भैया मार डालेंगे। अरे बुचिया काहे चिंता करती हैं आप, ये तो मियां बीवी का दंगल है। आपकी जब शादी होगी ना तो आप भी ऐसे ही चिल्लाएंगी, फिर कौन जाएगा छुड़ाने के लिए। रोज रोज का काम है, सिर्फ एक आशी पूर्णमासी को नहीं होता है, समझी। चल मजली। ये हल्दी गाय पीस रही हो भाभी? कल रात को आपके भैया प्यार किए थे, ये देखिए, और देखिएगा, ये देखिए आपके भैया के प्यार की निशानी। अब थोड़ा हल्दी वल्दी लगा के अपने आप को मजबूत रखेंगे, तब है ना आपके भैया का प्यार सह पाएंगे। बक ऐसे थोड़ा होता है प्यार। और नहीं तो का, ऐसा ही ना होता है। ये मर्द लोग के लिए ना वैसे की तरह औरत को मारना ही प्यार होता है। अपना सुख के लिए ये लोग औरत को मार ही डालता है। ये भुनी हुई सुपारी की तरह मुंह के बनाए बैठी हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम कल अपने होने वाले पति से मिली थी, क्या कहते हैं जनाब? मर्द करते समय औरत को मारता क्यों है? कल राजन ने तुम्हारे साथ वो कुछ ऐसा करता ना तो मैं उसे गोली मार देती। पर मुझे पता है करते समय मर्द ऐसे वैसे बन जाते हैं और औरत के साथ वही मारपीट, मैंने अपनी भाभियों को देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मर्द अपनी बीवी से प्यार करेगा वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करोगे? नहीं। तो कैसे करोगे? देखो जूली, जब मर्द और औरत एक दूसरे को प्यार से छूते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है ना कि बहुत गंदा लगता है। कल राजन ने हमें छुआ था। छी, उसने प्यार से नहीं छुआ होगा। प्यार से? राजन ने भी पहले प्यार से ही छूना शुरू किया था, फिर पता नहीं कहाँ का छूने लगा, और तुम अच्छा लगने की बात कर रहे हो। तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? कुछ अजीब सा लगा, पर राजन ने छुआ तो ऐसा क्यों नहीं लगा? औरत को मर्द का छूना तब अच्छा लगता है जब वो उसे सुकून दे, हिफाजत दे। कैसी हो जुलेट जान? कल हम चलकर तुम्हारे पास भी यार, तुमने हमें भगा दिया, प्यार भी नहीं करने दिया। कैसी सितमगर सनम हो यार, फोन पे चुम्मा देती हो, सामने आई तो शर्मा गई। हर समय यही बात करना जरूरी होता है का? अरे शादी से पहले इसे बातें करना जरूरी होता है जुलू, इससे प्यार बढ़ता है और फिर सुहागरात में कोई रुकावट नहीं आती। हमें नहीं करनी है सब फालतू बातें तुमसे। अरे काहे हमें बार बार फोन कर रहे हो? हमने कहा ना हमें नींद आ रही है। हमें नहीं करनी ये सब बातें। अरे बात तो हमको भी नहीं करनी।
हेलो ये बाहर निकल जूली इसी वक्त घर के बाहर आके मिल जूली क्या हुआ अरे क्या हुआ कहाँ ले जा रही हो मैं अरे कुछ बोलोगी भी हाँ अब इतनी रात को मैं घाट पर क्यों लाई हाँ पागल हो गई अरे पर हुआ क्या आज मैं तेरे साथ करने वाली थी मेरे साथ हाँ आधा तो मैंने कर भी लिया था लेकिन अब ख्यालों में नहीं उसे सचमुच में पूरा करूंगी जूली तुमने कोई ख्वाब देखा क्या हाँ पर सोते हुए नहीं होशो हवास में जागते हुए और राजन ने मुझे ख्वाब देखने के लिए उकसाया था वो तो तुम घुस गए अचानक से और अब मुझे ये ख्वाब तुम्हारे साथ पूरा करना है शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ ये करना गुनाह होता है करना ही नहीं बल्कि सोचना भी गुनाह होता है पर हमसे ये गुनाह हो गया और हमें ये गुनाह फिर से दोहराना है जूली टुकड़ा टूट जाने
चढ़ गए तुझे। कौन उतरने के लिए पीता है? अबे तू तो सिर्फ की बातें करता था, मेरे तो कर भी लिया। हेलो हेलो कर ली जूली। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किया है? कि हमें उससे ज्यादा नॉलेज है। पता है इलाहाबाद के वीर पांडे ने अपने बेटे की शादी तय की है इसके साथ। से मत मिला कर। क्यों 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 क्यों? देख तू शादी किसी से और किसी और से कर सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमको क्या लगता है, तुमसे शादी कर लें? हाँ। अरे पगले राम भैया, तुमको भी गोली मार देंगे और हमको भी। बेटा शादी तो मुझे चितकुट राजन से ही करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आज के बाद उसी से मिलना और उसी के बारे में सोचना। जाने माने नेता वीर प्रताप पांडे ने इस गिरफ्तारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है और पुलिस विभाग की सराहना की है। कहा यह जा रहा है कि इस केस में पुलिस विभाग की तत्परता से 24 वर्षीय मुजरिम जिसका नाम अल्ताफ है, इसे इलाहाबाद चौक थाने के मोहल्ला तकिया पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस घटना की पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन की जा रही है। इन्फोमा के जरिए तो तुम सच में नाराज हो, बात नहीं करोगे मुझसे? ठीक है तो मैं भी जा रही हूँ इलाहाबाद उस छचुंदर राजन से प्यार करने के लिए, और उसके साथ वो सब करूंगी जो तुम्हारे साथ करती थी। छोड़ मुझे, हाथ मत लगा, किसी की होने वाली बीवी हूं मैं, समझा ना? आया बड़ा इसे क्या हुआ? जूलिया आज इतने गुस्से में क्यों जा रही है? गुस्से में नहीं मामी, आज तो बहुत खुश है वो। सर इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे भाई का हत्यारा पकड़ा गया है, और हमें प्रदेश की पुलिस पर गर्व है। और अब इस खुशी में हमें भी शामिल होना है। तुम सुना देना, सुनो जरा अच्छे से चाप के बोलना। नमस्कार दोस्तों, हम आज शहीद उदय प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि मैं आज आपसे उस बच्ची को मिलवाने लाया हूं जो इस महीने की 24 तारीख को हमारे घर की बहू बनने वाली थी। ये बिटिया आपके दरबार में अपनी गुहार लेके आई है, तो जोरदार तालियों से और दो बूंद आंसुओं से स्वागत कीजिए जूली शुक्ला का। प्यारे प्रयागवासियों नमस्ते। मैं सिर्फ राजन पांडे की पत्नी नहीं, बल्कि आप सबकी पत्नी बनके शहर में पत्नी नहीं बेटा, बहू, बल्कि आप सबकी बहू बनकर इस शहर में आना चाहती हूँ। और राजन मेरी मांग में सिंदूर तभी भरेंगे जब वो अपने चाचा के सपने को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक बन जाएंगे राजन पांडे से ही शादी करूंगी वरना नहीं करूंगी। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस इंसान से जिसके बेटे ने सलाउद्दीन के कहने पर हमारे भाई का कत्ल किया। आइए इस्लाम भाई। बोलिए जो सच है। मैं दिल से इस बात को कबूल करता हूं और तस्लीम करता हूं कि मेरे बेटे ने उस कमजर सलाउद्दीन के बहकावे में आकर उदय प्रताप जैसे नेक दिल इंसान का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आप लोग जरा। जी सर। बैठ। खाना खाएगा? नहीं। तू यहां अचानक? हमारा गुनाह किसी ने अपने सर पे क्यों ले लिया? तो लेने दे, तुझे इससे क्या? उदय प्रताप को मारने की सुपारी किसने दी थी? तूने आज तक मेरे लिए इतने काम किए, ऐसा सवाल तो कभी नहीं पूछा।
लेकिन आज जानना है। तू अपने बाप को मारेगा? बाप करेगा तो बाप भी मरेगा। जो मरा वो तेरा रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार तो आप भी नहीं है पाठक जी, लेकिन आपको बाप मानते हैं ना। सारे रिश्ते अल्लाह मियां पेट से जोड़कर नहीं भेजता है, कुछ को बाद में भी यही बनाता है, जैसे आप और जैसे वीर पांडे। तो लेके चलिए हमें उनके पास। तुम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे ना, तो क्यों घुस रहे हो वापस उस दलदल में? हमारी अच्छी जिंदगी की चाबी पांडे के पास ही है पाटिल जी। तुम्हारे काम की जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत सफाई से चलते हैं हाथ तुम्हारे। और आपका दिमाग, मतलब एक ही गोली से भाई और सलाउद्दीन दोनों को सलटा दिया। तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी अच्छे से काम करना पड़ेगा। यहाँ बंदूक चलाने आती है ना तुम्हें? कोई बात नहीं, सीखनी पड़ेगी। देखो अलग अलग बंदूक चलाने का अलग अलग तरीका होता है, सब टेक्निक समझा देंगे हम, एकदम फॉरवर्ड कर देंगे। हेलो अम्मा, ये हमार होने वाली बहुरिया है और ये हमार अम्मा राजन का नानी। अम्मा तुम तनिक बतियाओ, हम अपना काम निपटा के आते हैं। सदा सुखी रहो बेटी, तुम दोनों का प्यार बना रहे। राजन अपने नाना की तरह है, इस उम्र में भी राजन के नाना के प्यार में कोई कमी नहीं आई है। आज चारपाई पकड़ लिए हैं, फिर भी प्यार उतना ही करते हैं जितना शादी के समय करते थे। अरे वाह नानी, अभी करते हैं क्या? हुआ बहुरिया है कि एटम बम? चल इधर बैठ। इस घर की होने वाली बहू है। अच्छा फिर तो एक सलाम बनता है। अरे क्या हो गया भाभी, सुनिए तो भाभी, कहाँ जा रही है? सलाम। तुम? हाँ। अरे वाह, तुम तो आते सबकी भाभी बन गई, कमाल है। हाँ तो? कुछ नहीं, बढ़िया, मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया हूँ कि उस चिरकुट की बीवी बनने के बाद तुम कैसी लगोगी, और ये भी कि एक लड़की अपने आप को कितने हिस्सों में बांट सकती है। मैडम को जानते हो क्या? नहीं, बस जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है चलो काम बताता हूँ। अरे मिर्जा, तू यहाँ कैसे? नौकरी मिली हमें यहाँ। हाँ सही है, सही है। अरे राजन, ये मिर्जा। अच्छा है, अब तू यहाँ होगा तो जूली का मन भी लगा रहेगा, भाई कोई तो होगा उसके मायके का, और वैसे भी तू तो उसके भाई जैसा है। हम जरा काम समझ लेते हैं। हाँ समझो समझो, काम समझो। अरे वाह गुरु, तुम्हारी तो अच्छी जान पहचान है, हमें यूँ ही बेकू बना रहे थे। ये नीचे वाला कमरा जो है हमारे मम्मी पापा का है, पीछे नानी रहती है, और ये जो है हमारा कमरा है, इसी कमरे में हमारी पैदाइश हुई और यहीं हम बड़े हुए हैं। और अच्छा तो ये है आपका कमरा? जी जी हाँ, ये हमारा कमरा है। इतना बड़ा दरवाज़ा दिख नहीं रहा आपको, इतना बड़ा कमरा। आइए हम आपको विजिट कराते हैं। हाँ आइए। जूली डार्लिंग,
ये है हमारा कमरा और ये हमारा, अब तो आपका भी, आइए ना, कैसा लगा? अच्छा है, बाहर चले। अरे सुनिए ना, आपको कैसे पता कि बिना लेटे की अच्छा है या नहीं? एक बार लेट कर तो देखिए। लव में हड़ताल नहीं की जाती, बिहारी को बुलाए हैं आप? आज बुलाया, रखना उसे। जांच पड़ताल नहीं की जाती। अरे बढ़िया है सर। लव में हड़ताल नहीं की जाती, जांच पड़ताल नहीं की जाती। बेमतलब ईगो में सूझ ना कर, इमोशन का 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 तू कंफ्यूज ना कर, मोहब्बत का 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 तू मिस यूज ना कर, इमोशन का 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 तू कंफ्यूज ना कर, मोहब्बत का 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 तू मिस यूज ना कर। लेटो ना जानू, हमको हमको गाना सुनना है, बाहर चलते हैं ना? गाना तो हम यहाँ भी सुन सकते हैं, तुम गाओ तो मैं गाऊं? आपने पी रखी है? आज तो खुशी का मौका है, आज हमारे पार्टी का टिकट भी पक्का हो गया ना, हाँ? तो इतना तो बनता है, मत करे ना मना। छोड़िए, हमको बाहर जाना है। क्या कर रहे हैं? अरे प्यार कर रहे हैं तुमसे। हाँ जी, क्या करना है? खींचा ताने की क्यों आदत है, इश्क है या फिर कोई मुफ्त की दावत है? चोट जो हो दिल में पुरानी, ठीक न हो तो फिर जवानी, जवानी जवानी आफत है। बेमतलब ईगो में ये सूझ ना कर, इमोशन का 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 तू कन्फ्यूज ना कर, मोहब्बत का तू मिस यूज ना कर, इमोशन का तू कंफ्यूज ना कर, मोहब्बत का तू मिस यूज ना कर। सबसे बड़ी ये ट्रेजेडी है, मोहब्बत पे पीएचडी हम, फिर भी बने फिर सड़ी है मार। देखो बिगड़ी अपनी गाड़ी, झट से उतर नर नारी, भैया मार 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 धक्कर। मेरी जाली में जवानी हुई हॉरर कहानी, उठा दाना पानी हुक्का वुक्का रे। मेरा बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया, बैठा 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 भट्टा रे। इश्क गधे की लात ये जिस पे पड़ जाए, अड़ियल घोड़े सा वो जिद्दी अड़ जाए। रुक जाए फिर प्यार की जर्नी, यार के आगे नाक रगड़नी 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 पड़ जाए। बेमतलब ईगो में ये सूझ ना कर, इमोशन का तू कन्फ्यूज ना कर, मोहब्बत का तू मिस यूज ना कर, इमोशन का तू कन्फ्यूज ना कर, मोहब्बत का तू मिस यूज ना कर, इमोशन सबको निकालो बाहर। चलिए 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 बाहर निकलिए, चलिए चलिए जल्दी चलिए, चल निकलिए जल्दी। जूली जूली,
अरे ये क्या बकवास कर रही है जूली? बकवास नहीं, हम थाने जा रहे हैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। जूली अंदर चल के बात करते हैं। वापिस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, थाने जाऊंगी, मुझे इस राजन पांडे को सबक सिखाना है। अरे बेटा अच्छा चल घर चल के बात करते हैं। धर्मराज मुझे घर नहीं, मुझे थाने जाना है अभी। ए जूली क्या नाटक कर रही तू, चल कर चल। तुझे नहीं जाना। ये जो कह रही है वो सुना नहीं क्या आप लोगों ने? एक लड़की की आबरू लुट गई और वो सरेआम चीख चीख कर कह रही, तुम भाई होकर भी उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। ए मिर्जा तू हमारे मामले में टांग मत अड़ा, चल निकल। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं अब हमारा भी मामला है। अबे तू क्या करेगा? क्या करेगा? अरे मिर्जा छोड़ मेरे बेटे को। उसकी परवाह नहीं, आप हट जाइए सामने से। नहीं हटूंगा, मारना है तो मुझे मार। पाठक पापा इसने जूली की इज्जत लूटी है। नकुल जी भैया गाड़ी निकालो, चल जूली। धर्मराज हम इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है, नहीं तो ये लोग मिर्जा को मार देंगे। धर्मराज हमें जाने दो और छोड़ो हमारा, वो लोग उसे मार देंगे। छुबिया की इज्जत की इतनी परवाह क्यों है? मैं तुम्हें ले जाओ इसे और बंद कर दो अंदर, हमें सब बाद में निपटते हैं। वाह पापा, हे हे, पापा कमाल कर दिया आपने। ओ फ्यू 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 फ्यू, मजा आ गया। तुमसे बोला था हुआ नहीं तुमसे, हाँ कुत्ता। सुनिए पापा, पुलिस में एफआईआर लिखवाइए कि सलाउद्दीन का आदमी मिर्जा हमारे इकलौते गवाह इस्लाम कुमार के फरार हो गया। अभी तक नाराज है हमसे? अपने भैया से बात नहीं करेगी?
अभी हम रोने लगेंगे तो तुम्हारे स्टैचू बोलने पर भी नहीं रुकेंगे। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े ना हैं। आ जा, हमसे बात तो कर। भैया हम राजन को मना किए थे फिर भी उसने। अरे कुत्ता है वो पांडे का लौंडा। हम तो खुद ही चढ़ते थे राजनवा के, तो पर वो मिर्जवा बीच में आ गया ना। हम तो उसने क्या गलत किया, कम से कम वो मेरे लिए लड़ा तो सही, और आप मेरे ही भाई हो के मेरा ही मुंह बंद करा दिया और लेके चले आए। अरे तो क्या करते, एक मुसलमान के कहने पर पांडे जी के लौंडे से लड़ जाते हैं, हैं? और वैसे भी राजन का गलत किया, वो तो वही किया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, वो थोड़ा पहले कर दिया। हमें कहते हुए शर्म आती है गुड़िया, पर हमारी गुड़िया है इतनी सुंदर कि कोई भी पागल हो जाए। ससुरे का कंट्रोल ही फेल हो गया। तू अपना मुंह ठीक कर, चाय पी, हाँ? ले। देख, दो दिन बाद रक्षाबंधन, तू सोच ले, बता दे का लेगी हम लोगों से, हम तीनों भाई तीनों लोग तेरे कदमों में लाकर रख देंगे। ये देख, रॉन्ग टाइम पे फोन। हेलो, हेलो, नमस्कार पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। अरे भाई शुक्ला जी, ठीक है ना हमारी बहुरिया? परेशान हो गई थी बेचारी। वैसे हम आ रहे हैं अपने इस नालायक को लेकर, माफी मांगेगा जूली बिटिया से। हाँ पांडे जी, ये ठीक रहेगा, इससे जूली को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। तसल्ली मिल जाएगी। चुप हैं? नहीं नहीं, आपसे नहीं, बोलिए ना। वैसे शुक्ला जी, इस मामले को तूल दिया उस मिर्जा ने और निकल भी गया हमारे हाथ से, हमारे इकलौते गवाह इस्लाम को गोली मार के। क्या कहे? राजन आ रहा है तुमसे माफी मांगने बबुनी, अब जो भी तुम्हारी शिकायत है उससे कहना, डांटना उसे, नाक रगड़वाना पांडे जी के बेटे से अपने सामने, ठीक है? रे नकुल। हाँ भैया। मिर्जवा भाग गया रे, उसके मामा पे नजर रखो। हाथ ऊपर और चल लीजिए। हमने मनी मन देवी माँ से क्या मांगा? हमने कहा कि जूली हमेशा हमेशा खुश रहे, हमने तो माफी भी मांगी, हमने कहा कि माँ हम कितने बड़े गधे हैं। प्रणाम। अब पता है हमने कहा कि अपने को मन में हमने खूब सारे थप्पड़ भी मारे, यहाँ यहाँ, समझी? जानती हो माँ विंध्याचल मनी मन हमसे बहुत खुश थी, कह रही थी
बेटा राजन, मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम जुली की करना। ऐसा कहा उन्होंने, है ना? राजन पांडे। तुम? हाँ हम। मिर्जा, वही मिर्जा जिसने तुम्हारे चचा उदय प्रताप को मारा था, वो नहीं जो बेचारा हमारी जगह जेल में बंद है। जानती हो मोहतरमा, सबसे बड़ा तुम्हारा ससुर है, उसी ने हमें सुपारी दी थी अपने भाई को मारने की, ताकि उसकी हमदर्दी सुंदर को मिले और ये इलेक्शन जीत जाए। हम तो खामा खा फंस गए तुम्हारे चक्कर, मोहब्बत है ही चीज, चारों तरफ संगीने तनी, फिर भी आप पहुंचे हैं यहां अपनी जान जोखिम में डालकर कि शायद तुम्हें हमारी जरूरत होगी, पर तुम इसके साथ पिकनिक मना रहे हो, खुश हो, करो जो तुम्हें करना है, लेकिन अब हमें निकालो इस मुसीबत से। कैसे? बोल अपने इस बलात्कारी पति को कि जहां हम कह रहे हैं वहां हमें छोड़े, नहीं तो शादी से पहले ही विधवा हो जाओगी तुम। मिर्जा भाई, अरे आपकी गाड़ी है, आप जामानो ले जाइए, हमें तो जाने दीजिए, चले चलो। कैसे छोड़ दे तुम्हें, तुम दोनों तो जमानत हो हमारी, गाड़ी स्टार्ट कर, चल। भैया जी कहाँ छोड़ा आपको? जहां तक तुम्हारे बाप के छोड़े हुए कुत्ते ना पहुंच सके। गाड़ी से रोकर साइड में लगा। हाँ? गाड़ी साइड में लगा, जल्दी कर। करता हूँ करता हूँ। आपको बोल कि मिर्जा जी को छोड़ने जा रहे हैं। हाँ पापा। हाँ भाई, माफी पूरी हुई कि नहीं, कि कुछ और प्लान बना लिया है, है? आ जाओ। नहीं, वो मिर्जा भाई को छोड़ने जा रहे हैं। मिर्जा। हाँ पापा। क्या करें पांडे, तूने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हाँ, इसलिए अब तेरा बेटा और बहू छोड़ेंगे हम। एक काम कर, अपने पुलिस को बोल कि हमारा पीछा करना छोड़े और ना ही तेरी गाड़ी की तलाशी ले, वरना हमें चाहे जो, तेरा बेटा तुझे जिंदा नहीं मिलेगा। समझा? अरे मिर्जा, अरे मर गया कि खून निकल रहा है ना? फोन फेंक दिया? जरूरत नहीं है उसकी, चल। भैया फोन, पुलिस को फोन करो, उसे बोलो निकल लेना था उसे। नहीं नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, उसके चक्कर में हमारे बेटे की जान चली जाएगी, इसलिए जाने दो उन्हें जहाँ जा रहे हो। और हमारी बहन? तुम्हारी बहन के चक्कर में तो ये सब कुछ हो रहा है, हो सकता है अपनी बेगम बनाए उसको। ए पांडे, ए नकुल, सवाल तू से बात करना हमारा। ए ऐसे यार, बहन है हमारी नकुल, उसकी तो उंगली उठी ना, तो उंगली उठे ही नहीं तेरे। अबे चल पकड़ फटाक, पकड़ सभी। ए पांडे, तुम्हारे चक्कर में हमारी इज्जत का छीछाले दर हो रहा है, चुनावी लालच में शादी ना अटकाए होते तो सब बर्बाद ना होता। क्या करें जी, जूली हमारी बहन, उसे हम वापस लाएंगे। चलो जी बंदूक निकालो, भाग के जाएगा कहां, और इतनी गोली मारेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में भी उतने छेद नहीं होते, समझे? शुक्ला जी ये गलती मत कीजिएगा, वो मेरे बेटे को मार डालेगा। इस वक्त हमें सिर्फ हमारी बहन चाहिए, बस निकलते हैं पांडे जी। शुक्ला जी चलो रे। अरे धर्मराज, अरे इनको रोको यार कोई, अरे मैं हूं ना, मैं करूंगा ना सब कुछ। धर्मराज पिस्तौल भी लिए हो ना? अरे सुनो मेरी बात सुनो यार, देखो देखो धर्मराज, मैं धर्मराज, मुझ पर भरोसा रखो यार, देखो बात सुनने बात करेंगे यार।
वैसे मिर्जा भाई, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम देवी माँ से माफी मांग लिए हैं और आपको सॉरी भी बोल रहे हैं। चुपचाप गाड़ी चला। हमें अपने होने वाली बीवी समझता है क्या कि जो बोला चुपचाप सर झुका के मान लिया? कावा? फोन का है काट दी बे। अरे वो का है काटेगी, मिर्जा काटा होगा। फोन ट्रैक करो, फोन ट्रैक करो। हमारे बच्चे को मारेगा तो नहीं ना? जब तक उस पर कोई खतरा नहीं आएगा वो नहीं मारेगा। गाड़ी रुक। हाँ? हेरोइन चाय माने पानी लेकर आ। अरे भैया दीजिए, हम लेके आते ना, हम लाते। बोला ना ये चाहिए। भैया लड़की है, रात का वक्त है और देखिए लोग भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे यहाँ पे। साले तुमसे तो अच्छे ही होंगे, कम से कम तुम्हारी तरह कोई रेपिस्ट तो नहीं होगा यहाँ पर। भैया। हाँ जी। एक बोतल पानी और ई वाला बिस्कुट। तुम लोग जाओ यहां से, हम निकल जाएंगे। शुक्रिया। अरे 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 जुली क्या कर रही हो? हाँ चलो चलो गाड़ी में बैठो, हम लोग चलते हैं। बाय मिर्जा भाई। अरे मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे? अरे क्या बात कर रही हो जुली, मिर्जा भाई चले जाएंगे यहाँ से अपना अकेले। सही कह रहे, हमारे साथ जाकर क्या करोगी? तुम्हारे लिए है ना ये। पर हमें इसके साथ नहीं रहना। क्या बात कर रही है जुली? हाँ? अरे हम शपथ लिए देवी माँ के सामने, हम कभी गलती नहीं करेंगे। जुली हम तुम्हें देवी की तरह रखेंगे। चलो जुली। मिर्जा हमें बहुत देर से समझ में है कि हमारा मन क्या चाहता है और हम किसके साथ खुश रह सकते हैं। हमारे साथ कैसे खुश रह सकती हो तुम? हम एक गुनहगार हैं। तो हमें भी अपने गुनाहों में शामिल कर लो, हमें तुम्हारे साथ रहना है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और ऐसे हजारों राजन तुम भी कुर्बान कर सकते हैं। हाँ? दिमाग खराब हो गया तेरा? एक गुंडे के लिए मुझे कुर्बान करेगी? चल छोड़ मुझे, नहीं जाना मिर्जा। चल छोड़ मुझे, छोड़ मेरा, तू है क्या? अरे मैं तेरा होने वाला पति हूँ, चल छोड़ मुझे। तुझे बताती हूँ बड़ा पति बनता है ना तेरे। ये ले, ये ले। अरे तू ले, ये ले। तू कभी रेप किया था ना मेरा? अरे बंदूक घुमा, मैं तुझे पेलूंगी। पुलिस जा जाएगी। घर जाना चाहता है ना, तेरी लाश जाएगी। अरे मिर्जा भैया
आपने कहा था कि हम आपको छोड़ देंगे तो आप हमें छोड़ देंगे। ये जूली को समझाइए, पागल हो गई है। वो हमने कहा था, जूली ने नहीं। अरे अरे नहीं, अरे जूली, अरे बाप रे बाप, अरे अरे जूली पागल हो गई है। क्या लगता है, मैं राजन के साथ मंदिर में पूजा करने गई थी, जब मुझे पता चला कि तुम भाग गए हो तो मैं समझ गई कि तुम यहीं कहीं आसपास हो, इसीलिए मैंने राजन को मंदिर चलने के लिए कहा। और अगर हम मंदिर में नहीं आते तो अभी हम घर वापस नहीं गए होते, तो मैं ढूंढ ही लेते। और अब तुम्हारे भाई ढूंढेंगे। ढूंढने दो, एक बात जान ले, अब अगर तू हमारे साथ आ गई है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हमसे नहीं छीन सकती, तेरे भाई भी नहीं। अगर वो तुझे लेने आएंगे तो हमारी गोली खाएंगे। सोच ले, अभी भी वक्त है, नहीं तो घर लौट जा। हम लौटने के लिए नहीं निकले थे। तो नहीं तुमको? अरे मिर्जा ने कुछ नहीं किया, वो जूली, उसने सब कुछ कर दिया पापा। जूली? क्या 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 किया है जूली ने? कहाँ है जूली? जूली कहाँ है? अरे वो हमारे मोहब्बत का चूना लगा के चली गई मिर्जा के साथ नेपाल। जूली नेपाल चली गई? भैया इसको देखो, नहीं देखा। ये भी आप देखो। नहीं भैया हम नहीं देखे। हाँ पंडित जी,
कुछ पता चला? हर लम्हा कर लूं दुआ तेरे सदके मेरी जान, अब रूठे जग छूट जाए हम हो ना जुदा, तेरी मेहरबानी तूने मुझे अपनाया है, तू है मेरे साथ जैसे मेरा साया है, ओ तेरी मेहरबानी तूने मुझे अपनाया है, तू है मेरे साथ जैसे मेरा साया है, डर मिल जाए दुनिया की दौलत प्यार ये कम ना होवे, तेरी खुशियों में खुश हूँ और गम में तेरे हम रोवे, अब तेरी लगन से रू अपनी आजाद ना होवे, सीने में लगी लगी है आग दिल खाक ना होवे, वो आशिक है बेकार जो बर्बाद ना होवे, सीने में लगी है आग दिल खाक ना होवे, वो आशिक है बेकार जो बर्बाद ना होवे, लगी आग। छुपा रहा हूं तुम्हें, चल। फोन पापा, ये वाला। हेलो, बोलो। जूली की कोई खबर? चुप रहो। अरे पापा, नहीं बोल रहे यार। प्यार को पैसे से मत खरीदो, पहले बहन की रक्षा का वचन दो, तब ना राखी का कोई मतलब है। हम सब बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लोकु भाई, जूली नमस्ते। इस जगह की देखरेख मेरे पास है, तुम दोनों यहां महफूज रहोगे। आओ, और सुन, तुम इन्हें छोड़कर आ जाओ, फिर बाहर जाने का बंदोबस्त मैं करके देता हूँ। ये चाबी। शुक्रिया। आज की रात हमें यहीं बितानी होगी, उसके बाद हम कुछ जुगाड़ करके दुबई निकल जाएंगे, क्योंकि वीर पांडे और तुम्हारे भाइयों से हम ज्यादा दिन चिपके नहीं रह सकते। तब तक के लिए जगह काफी महफूज है, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, हम जल्दी आते हैं। हम भी चलें। हीरोइन, पोस्टर लगे हैं तुम्हारे हर जगह, और वैसे भी इतनी सुंदर लड़की अगर हमारे साथ जाएगी तो ना देखने वाले भी घूरने लगेंगे। मुंह ढक लेंगे। हमने बोला ना जल्दी आते हैं। ये कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुम्हारे भाईजान मिल गए तो उन्हें सलाम कर लेंगे। 2 किलोमीटर बस पहुंच ही गए। फोन कर सकते हैं क्या? अरे यार, हेलो नकुल। जूली भैया। हाँ जूली, ला ला ला। हेलो
जूली। धर्मराज क्या है? समझ में आ गया कि मिर्जा ही तुम्हारा भविष्य है। तुम लोग मेरी आंखों के सामने शादी कर लो, कहीं दुबई बैंकॉक चले जाओ। तुम तक पहुंचेंगे तभी तो हम लोग तुमसे राखी बंधवा पाएंगे। बहुत जल्दी उठ गई। हम जरा नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह का साथ भी हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद हम यहां से निकल जाएंगे। ये रखो, हम आते हैं। कहते हैं भाई बहन का प्यार, आज रक्षा बंधन, अब हमारी कलाई कैसे सुनी रह जाएगी। आज हमें राखी बांध, आज आज बैठ, आज है बैठो। अरे राखी निकाल। हमारा बहनोई कहाँ है? वो नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, तू भी सुबह सुबह भगवान का नाम लिया कर, सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। लेकिन तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी ना, इसलिए। अरे लेकिन रहेंगे तो इसी दुनिया में ना, समझे? नकुल, चलो निकालो हमारी राखी का गिफ्ट। Thank you.
धर्मराज। तू हम लोगों के माथे का कलंक है जूली, अब इसे धोना पड़ेगा। भीम, नकुल। बाय जूली, मिस यू। धर्मराज, सहजू। जूली, तुम खेल खेलने लायक नहीं रही, तू बच्ची नहीं बड़ी हो गई है। अपने भाइयों के लिए इतना हक तो बनता है तुम्हारा, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। Mirza!